दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के जेक्वेरी के वीडियो में हम देखेंगे हाइट विड्थ और वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे क्रिएट करें, उसको कैसे प्रिंट करें, ठीक है। तो ये तीनों चीज एक ही वीडियो में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ और ये रहा मेरा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक बटन की कोई जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ से इसे पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आउटपुट में या रिफ्रेश, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हाइट विथ है जो बॉक्स की हाइट विथ, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखी है। मान लो अगर मैंने डिफाइन नहीं करी है हाइट विथ को, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और सेव करके मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो इसकी हाइट विथ चली जाएगी, तो वो हमें अपना डीएवी वो हमें दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो अब उसको मैं जेक्वेरी से हाइट विथ दूंगा, ठीक है। तो पहले हमारी बेसिक सिंटैक्स आपको पता ही है। तो यहाँ पे डॉट बॉक्स, सॉरी सिंगल कोट में डॉट बॉक्स, और यहाँ पे एक एक फंक्शन हाइट के लिए हाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दे दोगे 200, तो यहाँ पे 200 पिक्सल ये काउंट कर लेगा। उसी तरह हमें यहाँ पे विथ भी देनी है। अगर मैं यहाँ पे विथ दे देता हूँ, ठीक है, और सेव करके मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हाइट विथ आ गई है, हाइट 200 पिक्सल आ गई है, और विथ है वो अब आपके सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं 200 पिक्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर भी नहीं आ रही है। ओ, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है विथ का, ठीक है। विथ को मैं यहाँ पे अब सेट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हाइट विथ अभी सेट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हाइट विथ है वो हम जेक्वेरी के थ्रू, फंक्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लो यहां से मैं अभी हाइट विथ को निकाल देता हूँ और यहां से भी हाइट को निकाल देता हूँ, और यहाँ पे क्लास में ही मैं पहले हाइट विथ दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके सामने हाइट विथ आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो मैं ये हाइट विथ वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आप, मैंने वीडियो बनाई है, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, जावास्क्रिप्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जेक्वेरी बनी है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो, जावास्क्रिप्ट में जैसे हम क्रिएट करते थे वेरिएबल, वैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, और यहाँ पे स्पेस लगा के वेरिएबल का नेम, मान लो मेरे पास हाइट का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ HH, और यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, यानी कि अब वेयर है वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप यानी कि वेरिएबल डिफाइन करने की मेथड है। तो वेयर में आप सब कुछ डिफाइन कर, उसको पता चल जाएगा कि आपने कोई वैल्यू डाली है वो पॉइंट में है, यानी कि फ्लोट है, डिजिट है, कोई भी है, इंटीजर फ्लोट कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया है वेयर HH, यानी कि HH वेरिएबल है, उसमें मैंने यहाँ पे बॉक्स की हाइट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी विथ भी डिफाइन कर देता हूँ, विथ में WW ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसकी विथ भी मैंने WW में मैंने स्टोर करवा दी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जब इस पे स्टोर करवा दी है, तो अभी इसके सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे आपके सामने ये आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने क्लास में ही दे रखी है। तो दोस्तों इसे मैं प्रिंट करवाता हूँ, इसकी हाइट क्या है, उसकी विथ क्या है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगी बेसिक सिंटेक्स हमारी कौन सी थी, हाँ अब आपको दिखाई देगा, हाँ डॉट कॉलन डॉट सेमी कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉक्स, ठीक है, और बुक्स में यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं बॉक्स के अंदर हाइट विथ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो HH, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर आपने टेक्स्ट डाल दी HH, तो यहाँ पे आप सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास हाइट आ गई है। हाइट कहाँ से आई आपको पता होना चाहिए,
हाइट कहाँ से आई दोस्तों, ठीक है ना, हाइट कहाँ से आई वही क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे जो हाइट डिफाइन की थी वो हाइट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टोर हो गई है और यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो गई उसके बाद, और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एचएच को प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एचएच को प्रिंट करवा दिया है, तो यहाँ पे मैं अगर सिंगल कोट दे के लिख देता हूँ यहाँ पे और हाँ हाइट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ हाइट इस, ठीक है, मैंने लिख दिया है हाइट इस। अब सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये आ गया हाइट इस। यहाँ पे मैंने प्लस की साइन इसलिए दी यानी कि इसको मैं कॉनकेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब एक और मैं प्लस की साइन दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल कोट में लिख देता हूँ विथ इस, और यहाँ पे प्लस की साइन देकर मैं विथ प्रिंट करवा दूंगा तो विथ आ जाएगी हाइट इस 200 एंड विथ इस 200, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसके आगे मैं स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने स्पेस मिल जाएगी, हाइट इज 200 एंड विथ इज 200, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और ऐसे मैंने आपको बताया वैसे प्रिंट करते हैं, और इसके साथ हाइट विथ है वो मैंने इवेंट भी आपको बता दिए है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई समझ नहीं आता तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगा जेक्वेरी, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।